बार के निकाय चुनाव में। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम निकाय का नायक और आपके साथ मैं हूं पूजा सचदेवा। निकाय चुनाव में जैसे जैसे सियासी तपिश बढ़ रही है, वैसे वैसे शहरों का सियासी मिजाज भी बदलता जा रहा है। आज बात मेरठ के मवाना से लेकर बाबा भोले की नगरी काशी तक की नजर रहेगी। लखनऊ के महिलाबाद नगर पंचायत, इटावा के अखदिल पर भी, मेरठ के मवाना में नगर पालिका अध्यक्ष के लिए आरएलडी और सपा में आर पार की लड़ाई हो रही है। इसका सीधा असर महापौर के महाभारत पर भी पड़ने वाला है। तो वहीं भाजपा के गढ़ वाराणसी नगर निगम में मेयर पद के लिए त्रिकोणीय मुकाबले ने शहर की सियासी दिलचस्पी बढ़ा दी है। मेरठ में नहीं थम रही राज, आरएलडी और सपा में आर पार। मवाना में गठबंधन में आई दरार, समाजवाद वालों ने नॉमिनेशन कर दिया, हमने भी कर दिया। क्या महापौर की भी कठिन होगी राह? मेरठ जैसी सीट पर राष्ट्रीय लोकदल का हक बनता है, कार्यकर्ताओं में गुस्सा है और कार्यकर्ता हैं, जरूर लड़ेंगे। शहर शहर निकाय का महासंग्राम, सत्रह नगर निगम में चुनावी घमासान। देखिए, मेरठ के मवाना में आरएलडी और समाजवादी पार्टी के बीच जबरदस्त महाभारत जारी है और इसकी आंच मेरठ महापौर की जंग तक पहुंचने वाली है। अब ऐसे में सपा और आरएलडी के बीच की दरार का किसको होगा फायदा और किसे होगा नुकसान, देखिए इस खास रिपोर्ट में। मेरठ के मवाना में जारी है महासंग्राम, आरएलडी और सपा में तकरार बरकरार। अयूब कालिया के खिलाफ अमीर आजम उम्मीदवार, क्या हट से मवाना में टूटेगा गठबंधन? महापौर की जंग में भी होगा आर पार। निकाय के संग्राम में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सपा और आरएलडी के गठबंधन में दरार खुलकर सामने आ रही है। मेरठ में सपा ने आरएलडी को खुली चुनौती दे रखी है। मवाना नगर पालिका से सपा ने सबसे पहले दीपक गिरी को अध्यक्ष पद का उम्मीदवार बनाया था, जिसके बाद मेरठ सपा जिला अध्यक्ष जयवीर सिंह ने डैमेज कंट्रोल किया, जिसके बाद सपा ने दीपक गिरी से सिंबल वापस ले लिया और आरएलडी ने अयूब कालिया को मैदान में उतारा। लेकिन ये डैमेज कंट्रोल एक ही घंटे में खत्म हो गया और अयूब कालिया के खिलाफ सपा ने दूसरा प्रत्याशी घोषित कर दिया। सपा ने अमीर आजम को मैदान में उतारा है, जिसके बाद आरएलडी में जबरदस्त गुस्सा है। नहीं, सियासी जंग हमारे किसी जंग नहीं है, गठबंधन के हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व जो फैसला करेगा उस अमल करेंगे। समाजवाद वालों ने नॉमिनेशन कर दिया, हमने भी कर दिया और मेरे मुझे उम्मीद है परवाजा, मैं चार बार सभासद रहा हूँ, एक बार चेयरमैन बना हूँ और इस बार भी उम्मीद है। मैंने कभी हार का मुंह देखा, ऊपर वाले चाहे मैं हारूंगा नहीं। ऐसी क्या वजह है कि जो मवाना नगर पालिका सीट जो है वो मूछों की लड़ाई मतलब क्यों शुरू हो गई, क्या है ऐसा? यहाँ पता नहीं क्या, हमारी समझ में आ नहीं रहा। पहले तय हो चुका था कि अभी लोकदल पर रहेगी, तब ये तय हो गया था, तभी हमारी पार्टी ने ऐलान किया था कि अयूब कालिया वहाँ के हमारी पार्टी के चेयरमैन होंगे। अगर वो हम लड़ाएंगे तो हम भी आगे की रणनीति अपना बदलेंगे, फिर हम भी अपना मेयर में चुनाव लड़ाएंगे। डैमेज कंट्रोल का ड्रामा खत्म होने के साथ ही अब मेरठ की महापौर पद के लिए अखिलेश और जयंत के बीच दरार बढ़ती जा रही है। अब सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या मेरठ के महाभारत में सपा और आरएलडी के गठबंधन को कितना डैमेज करती है। अचानक से समाजवादी पार्टी ने फिर दूसरे प्रत्याशी को लाकर खड़ा कर दिया है और इसे सीधे तौर पर आरएलडी के कार्यकर्ता चैलेंज के रूप में देख रहे हैं। अब बातचीत से कोई हल निकलेगा या फिर यहां महाभारत भी होगी और उस पर सियासी संग्राम भी बड़ा होगा। वीडियो जर्नलिस्ट सतेंद्र सिंह के साथ सनुज शर्मा, एबीपी गंगा, मवाना, मेरठ। और चलिए अब आपको लेकर चलते हैं लखनऊ के मलिहाबाद, जहां इस बार अध्यक्ष पद के लिए महिला आरक्षण ने नगर पंचायत की सियासत का समीकरण बदल कर रख दिया। आरक्षण
आम के लिए मशहूर लखनऊ के मलिहाबाद नगर पंचायत की तासीर इस वक्त निकाय चुनाव को लेकर काफी गर्म है। लखनऊ की 10 नगर पंचायतों में से एक मलिहाबाद नगर पंचायत जो इस बार महिला आरक्षित है, इसमें 15 वार्ड है जहां करीब 22,000 मतदाता वोट करेंगे। बात मुद्दों की करें तो यहां हर वर्ग साफ सफाई और सड़कों को लेकर ही वोट करने वाला है। हमारे तरफ की रोड भी नहीं बनी हुई है, ना लाइट के खंभे लगे हुए हैं, इतनी ज्यादा गंदगी बहती है, बच्चे निकलते हैं रात में नालों में गिरने का डर रहता है, पूरा जंगल बना हुआ है, और जो इसको पूरा करेगा हम वोट उसी को देंगे। भाई तो विकास के लेके वोट देंगे, यहाँ पर विकास होना चाहिए, हमारी बढ़िया सड़कें हो, नाली हो, पानी की व्यवस्था हो, बढ़िया शिक्षा हो। हमारी मार्केट में एको शौचालय नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है और नाली भी बहुत साफ नहीं रहती है। मलिहाबाद नगर पंचायत में इस बार गर्ल्स कॉलेज का भी मुद्दा रहने वाला है। हमारे एरिया में तो कॉलेज की समस्या है, कॉलेज केवल एक ही कॉलेज है पूरे एरिया में, ये जो कि मलिहाबाद नगर पंचायत में नहीं है। मलिहाबाद के महाभारत में भाजपा, सपा, बसपा के भी उम्मीदवारों ने अपने अपने कैंडिडेट मैदान में उतारे हैं। साथ ही आम आदमी पार्टी ने भी पहली बार मलिहाबाद नगर पंचायत के लिए अपना दावा ठोका है। अस्पताल और बिजली, पानी, ये सब चीजों का हम लोग पूरा ध्यान रखेंगे। बाकी उम्मीदवार भी लोगों की समस्याओं को दूर करने के वादे कर रहे हैं। चुनाव सिर्फ एक ही मुद्दे पे होना है, जो विकास का मुद्दा। रोड हैं, रोड बड़े जर्जर हो चुके हैं, उसको बनवाएंगे, नालियां बनवाएंगे, पानी का अच्छा इंतजाम करेंगे। विकास के मुद्दों पे लड़ाई लड़ी जाएगी, नाली, खड़ंजा, इंटरलॉकिंग, जो पिछले सभासद थे उन्हीं ने जो काम किया वो सब उन्हीं ने करप्शन किया उसमें। पिछले 25 सालों की बात करें तो मलिहाबाद में सपा का दबदबा रहा है, लेकिन इस बार ये सीट सामान्य महिला के लिए होने से समीकरण फिर से बदल गए। 10 नगर पंचायत में से एक नगर पंचायत मलिहाबाद इसलिए खास है क्योंकि मलिहाबाद के आम पूरी दुनिया में मशहूर है। बात करें यहाँ की नगर पंचायत की तो 25 साल से समाजवादी पार्टी का ही कब्जा है। इस बार समाजवादी पार्टी क्या अपनी सीट बचाने में कामयाब हो पाई, वजह इसलिए क्योंकि समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट बीएसपी में शामिल हो गए, तो देखना ये होगा क्या 25 साल का रिकॉर्ड क्या बनता नजर आएगा या टूटता नजर आएगा। लखनऊ से एबीपी गंगा के लिए शहनवाज सिद्दीकी। और चलिए अब आपको लेकर चलते हैं धर्मनगरी चित्रकूट, जहां पर निकाय चुनाव तो दूसरे चरण में है लेकिन अभी से यहां की सियासी सरगर्मियां जोरों पर हैं। चित्रकूट देश के तीर्थ स्थलों में से एक जो सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, धार्मिक और पुरातात्विक महत्व रखता है। सामान्यतः शांत रहने वाले चित्रकूट में फिलहाल निकाय की सियासी तपिश देखी जा रही है। चित्रकूट नगर निकाय की बात करें तो चित्रकूट में एक चित्रकूट करवी नगर पालिका और 3 नगर पंचायत मानकपुर, राजापुर, मऊ नगर पंचायत, जहां करीब 1,34,000 मतदाता दूसरे चरण यानी 11 मई को मतदान करेंगे। ।2017 में समाजवादी पार्टी प्रत्याशी नरेंद्र गुप्ता ने नगरपालिका अध्यक्ष पद पर काबिज हुए थे, लेकिन कुछ ही महीनों बाद वो समाजवादी पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए थे, जिसके बाद एक बार फिर से इस बार के नगर निकाय चुनाव में सभी पार्टियां अपनी जीत का दावा कर रही हैं। के कार्यकर्ता अनुसूचित समाज के बीच जाकर के उनकी बैठकें की और लाभार्थियों से मिले, महिला मोर्चे के कार्यकर्ता महिलाओं के बीच में जाकर के संपर्क करने का काम किया, युवा मोर्चे के बीच, अल्पसंख्यक मोर्चे ने अल्पसंख्यकों के बीच जाकर के काम करने का, पिछड़ा मोर्चे के लोगों के साथ उस काम को किया, वहां पर बैठे। उत्तर प्रदेश में वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो झूठ में बोलने वाली सरकार है, झूठ बोल करके वो सत्ता हासिल करना चाहती है, इसलिए जनता उनको नकार रही है। चित्रकूट में मुद्दों की बात करें तो जनता साफ सफाई और सड़कों को लेकर ही एक बार फिर वोट करने की तैयारी में है। हम लोगों का ये है कि बस साफ सफाई और बिजली व्यवस्था, पानी व्यवस्था, जो नगरीय व्यवस्थाएं होती हैं वो सब चीज़ों पे फोकस होना चाहिए। और सफाई और नाले वगैरह है उसके कोई बनने के लिए बोलते हैं फिर बनता नहीं है,
गर्मी बढ़ने के साथ साथ मच्छरों का भी प्रकोप बढ़ रहा है, उसकी कोई व्यवस्था की नहीं गई है। ऐसे में ये देखना होगा कि कौन जनता की उम्मीदों पर खरा उतरता है और किसे जनता अपने निकाय का नायक चुनती है। अगर मतदाताओं की बात की जाए तो विकास के मुद्दों पे कोई खुश है तो कोई बेहद नाराज। तो ऐसे में जो सभी दल के पार्टी अध्यक्ष हैं, नेता हैं, वो अपनी अपनी जीत का दम भर रहे हैं। देखना ये होगा कि नगर की सरकार में किसका रहेगा अधिकार, ये आने वाला वक्त बताएगा। जियाउल हक, एबीपी गंगा, चित्रकूट। नायक अनायक में बढ़ेंगे आगे। वैसे तो समाजवादी पार्टी के गढ़ इटावा में 6 निकायों का संग्राम देखने को मिलने वाला है, लेकिन इन सब में सबसे खास है अंग्रेजों के जमाने से बना नगर पंचायत। इकदिल नगर पंचायत, जहां पर पहली बार महिला अध्यक्ष के हाथ में इकदिल नगर पंचायत की बागडोर आने वाली है। इटावा के 6 निकायों में चुनावी घमासान जोरों पर है, जिसमें 3 नगरपालिका और 3 नगर पंचायत हैं। और सबसे खास है इकदिल नगर पंचायत, जिसे सबसे प्राचीन नगर पंचायत का दर्जा मिला हुआ है। इकदिल नगर पंचायत का गठन 1 जुलाई 1916 को अंग्रेजी हुकूमत में हुआ था, जिसके पहले अध्यक्ष थे गुरु प्रसाद सक्सेना। 1916 में नगर पंचायत अधिनियम एक्ट बनाया गया था, जिसके तहत 5000 की आबादी वाले ग्राम को नगर पंचायत का दर्जा मिला था। इस ऐतिहासिक नगर पंचायत की सबसे खास बात ये रही है कि यहाँ कोई राजनीतिक पार्टी नहीं विजयी रहा है, सिर्फ निर्दलीय उम्मीदवार पर ही जनता ने भरोसा जताया है। अभी तक इस दल का ये इतिहास रहा है कि किसी भी राजनीतिक दल का कोई चेयरमैन नहीं बना, जितने चेयरमैन बने सब निर्दलीय बने हैं। हालांकि पिछले चुनावों में अखिलेश यादव ने यहाँ मीटिंग की थी जो सपा के प्रमुख हैं, उसके बाद उनका प्रत्याशी हार गया था। इस बार इकदिल नगर पंचायत की सीट को अनुसूचित जाति महिला के लिए रिजर्व किया गया है, जिसके लिए दूसरे चरण यानी 11 मई को 14 वार्ड के करीब 15,000 लोग पहली बार इकदिल में किसी महिला अध्यक्ष को चुनेंगे, जिसे लेकर जनता में काफी उत्साह है। 100% जो महिला नेतृत्व करने की क्षमता में हो, जो डिसीजन लेने की क्षमता में हो, ऐसे मैं कस्बे से और लोगों से यही अपील करूंगा कि एक बार उसको मौका देना चाहिए। एक डोमेस्टिक वाइफ या एक घरेलू महिला को अगर आप चेयरमैनी का चुनाव लड़ाते हैं, वो हाथ जोड़ के पब्लिक के बीच में तो जा सकती है, एक चुनाव जीत भी सकती है, लेकिन वो कोई डिसीजन मेकर नहीं है। मुद्दों की बात करें तो जल भराव की समस्या से लोग काफी परेशान हैं, जिसके लिए कुछ लोग तो चुनाव का बहिष्कार करने के भी मूड में हैं। ब्लॉक होना बहुत जरूरी है। अच्छा। यहाँ का ब्लॉक बहुत इंटीरियर में, जिसमें बहुत परेशानी होती है। अच्छा। करेंगे हम लोग तो जो है चुनाव का बहिष्कार करेंगे, क्योंकि जल भराव की समस्या है, काफी नुकसान प्रतिवर्ष हुआ करता है और कोई सुनने वाला नहीं है, सरकार से लेकर के नगर पंचायत तक, क्योंकि जल निकासी की बहुत बड़ी एक समस्या है, वहाँ पानी भरा रहता है, बच्चे स्कूल जाते तो वहाँ नहीं जा पाते हैं। जनता की ये समस्याएं कौन दूर करेगा, कोई निर्दलीय उम्मीदवार या कोई राजनीतिक दल का प्रत्याशी, अब देखना है कि एक दल की जनता 11 मई को किस से दल मिलाती है। जी अगर बात की जाए तो अभी किसी भी पार्टी से कोई भी सिंपल पर कोई प्रत्याशी जीत कर नहीं आया, जितने भी प्रत्याशी जीत के आए वो निर्दलीय प्रत्याशी जीत के आए, लेकिन जिस तरह से समाजवादी पार्टी एवं भारतीय जनता पार्टी जो अपनी दावेदारी जीत की कर रही है, उसमें देखना है कि इस बार इकदिल नगर पंचायत में किसकी फतह होगी। मोहम्मद फारिक, एबीपी गंगा, इटावा। निकाय का नायक सेगमेंट आपने देखा, और अब बात करते हैं महापौर की महापरीक्षा की। आज जहां बात होगी वाराणसी की, वाराणसी मेयर पद के लिए एक तरफ तो भाजपा सपा कांग्रेस के चेहरे साफ हो चुके हैं। वैसे तो वाराणसी भाजपा का गढ़ माना जाता है, अब ऐसे में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस कैसे वाराणसी में अपनी जमीन तलाशेंगे, वो इस रिपोर्ट में देखिए। ये मोदी के शहर में किसकी बनेगी सरकार, काशी में भाजपा, सपा और कांग्रेस में आर पार, क्या भाजपा की नैया पार करेंगे अशोक तिवारी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सभी क्षेत्र वाराणसी में नगर निगम चुनाव को लेकर सरगर्मी दिख रही है, सभी पार्टियों के प्रत्याशी प्रचार में लग गए हैं। वैसे तो वाराणसी पर भाजपा का भी दबदबा दिख रहा है, लेकिन सपा भी मजबूत दावेदारी ठोक रही है। वाराणसी नगर निगम में इस बार त्रिकोणीय मुकाबला है, भाजपा ने अशोक तिवारी को मैदान में उतारा है, जबकि समाजवादी पार्टी ने ओम प्रकाश सिंह पर दाव खेला है। वहीं कांग्रेस ने भी अनिल श्रीवास्तव को मैदान में उतार कर मुकाबले को दिलचस्प कर दिया है।
अभी तो आप स्वयं देख सकते हैं, कोई अंधा भी आके बनारस में देखेगा 2014 के पहले क्या था बनारस, आज बनारस क्या है। विकास के मुद्दे पर जनता के बीच जाएंगे? हमेशा हम विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़े हैं। पिछले 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सीवर के सवाल पर सरकार ने कोई काम नहीं किया। पूरे शहर के सीवर बजबजा रहा है, ओवरफ्लो हो रहा है। सीवर का कनेक्शन नालों में कर दिया गया और नाले का पानी गंगा में जा रहा। वाराणसी में जातीय समीकरण की बात करें तो नगर निकाय के चुनाव में 16,11,000 वोटर अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, जिसमें सबसे ज्यादा वोटर वैश्य समाज से आते हैं। उसके बाद ब्राह्मण वोटर निर्णायक भूमिका निभाते हैं, तो वहीं मुस्लिम वोटर भी इस निकाय के चुनाव में अपने वोट से निर्णायक भूमिका निभाने का काम करते हैं। उम्मीदवारों के लिस्ट और इनकी दावेदारी को देखने के बाद भाजपा के जीत की राह आसान दिखाई दे रही है, क्योंकि भाजपा ने वाराणसी में ब्राह्मण कार्ड खेल दिया है, लेकिन जनता के भी अपने मुद्दे हैं जो चुनाव में अहम होंगे। देखिए, विकास हो रहा है काशी में और चौतरफा विकास हो रहा है, सबको दिख रहा है, इसमें कोई भी मतलब शंका वाली बात नहीं है। दुबई शहर तो चकाचौंध ही है, हमेशा कभी PM कभी CM तमाम लोग आते रहते हैं, सड़कें गलियाँ स्मार्ट सिटी सारी चीज़ें तो बनी रही है, लेकिन जो इनिशियल चीज़ों की अगर बात होगी, हम लोग की गलियों की बात होगी, तो सीवर खड़ंजा ये सब चीज़ें अभी भी वही समस्या 10-15 साल पहले जो चली आ रही वो ऐसा ही है। जब से मोदी जी यहाँ सांसद चुने गए और देश के प्रधानमंत्री हुए, तब से लेके आज तक काशी में विकास का मॉडल चेंज हुआ, विकास दिखाई देता है। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या जनता BJP को फिर से निकाय के नायक के रूप में मेयर का ताज पहनाती है, या फिर विपक्ष BJP की जीत में सिद्धमारी करने में कामयाब हो पाता है। नगर निकाय के चुनाव में BJP जनता के बीच पहुंच रही है, तो वहीं विपक्षी द्वारा सड़क बिजली और सीवर की समस्या को लेकर जनता के बीच पहुंचने का काम किया जा रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि निकाय के नायक के रूप में जनता किसे चुनती है। कैमरा मैन विशेष के साथ नवीन पांडे, ABP गंगा, वाराणसी। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।